से जरा सी जिंदगी लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना छोटी सी रिया, मेरी बद्दुआ है कि तुम लंबी जिंदगी पाओ, जब तक जियो। असियत तुम्हारा मुकद्दर है, तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो। जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनावा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय गॉड शाफे, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो गया है, इतने कमजोर क्यों हो रहे हो, क्या खाते पीते नहीं हो कुछ? अब यहाँ रह के तुम्हारा ये हाल है तो बाहर जाओगे कहीं तो क्या हाल होगा? अरे महमूदा, हाल वाल सब ठीक हो जाएगा जब बहू इस घर में आएगी। है बहू? आर यू सीरियस? अभी आए, उन्होंने ऐसी बातें शुरू कर ली, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्या हो गया, क्या मजाक भी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ, ये जाने वाने की बातें मत करो। अच्छा कर ले इमोशनल ब्लैक कर ले। हां जी चलो अंदर चलो बातें करते हैं। अरे ये क्या, नाश्ता तो कर ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा। ऑफिस में आपका पहला दिन है, खाली पेट जाएंगे, रात से आपने कुछ नहीं खाया। ऑफिस वाले मेरी काबिलियत देखेंगे, मेरा खाली पेट नहीं। अच्छा ये चाय तो पी लेना। तुम बस मुझे एक गिलास पानी क्या पिला दो। अभी लाती हूँ। और सुनो, ये ले दीजिए। हाय रब्बा, कुछ भी नहीं खा रहे। नाश्ता ही नहीं किया नासिर ने, बगैर खाए पिए ऑफिस जा रहे हैं। पकड़ के जबरदस्ती नाश्ता कराती ना भाजी। मैं क्या कहती, मेरी तो वो कोई बात ही नहीं सुन रहे। बहन का गम खाए बैठे हैं और तो कुछ खा पी नहीं रहे। खा पी तो पिया भी कुछ नहीं रही है भाजी, रात से उसको बुखार है, जब से तुमने उसे डांटा है ना रो रही है वो। तुझे बड़ा पता है उसे बुखार हुआ है, वो सारी रात रोती रही है। तू उसके कमरे में था? क्या फजूल बातें कर रही है भाई, मुझे रात को भूख लगी थी, बावर्ची खाने में गया था कुछ खाने पीने के लिए, वहां पे वो बुखार की गोली ढूंढ रही थी। अच्छा बस कर, नासिर ने सुन लिया ना तो मजीद मूड खराब हो जाएगा। खा ना। जो कहाँ चली गई आप, मुझे यूं अकेला छोड़ के क्यों चली गई, क्यों छोड़ के चली गई मुझे? आप मुझे बहुत याद आती है, मुझे क्यों नहीं लेके गई अपने साथ, ले जाती। ये क्या फजूल बातें कर रही हो बिया? मुझे बच्चों बहुत याद आती है,
क्या करूं? मैं आपको यूं परेशान नहीं देख सकती। आप ही तो हैं मेरे पास बस। तो मेरे पास कौन है बताओ? मेरे पास तुम्हारे सवाल कौन है? क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? बहुत शर्मिंदा थी मैं आपसे, बहुत डर गई थी आपसे। अब उन्हें माफ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा थी अपनी गलती पे। इतनी शर्मिंदा थी, इतनी डर गई थी कि अपनी जान ले ली। माफी मांग सकती थी मुझसे, मैं माफ कर देता उसे। पिया को मेरी बहन थी, मेरी बेटी, मेरा खून खून का रिश्ता था मेरा उसके साथ। लाख नाराजगी होती, ये रिश्ते इस तरह टूट नहीं सकते। तो बताओ, उसने इस तरह खुदकुशी करके अच्छा किया? भैया, हमारी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई है। मैं जो ऐसी नहीं थी, आप प्लीज उन्हें माफ कर दें। आपको अम्मी बाबा की कसम, प्लीज भैया, भैया आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। प्लीज माफ कर दें। ये मैं इसी काम के लिए रह गया हूँ, और कोई काम नहीं है मुझे। तू कौन सा कोई दफ्तर जाता है? सारा दिन फारिग बैठा टीवी देखता रहता है। सौदा सिर्फ ले आएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा तेरा। ले सेब खा, देखू मैं जरा लाया क्या है तू। नहीं मुझे नहीं खाना ये। एक कप चाय बना सकती है तो पिला दे मुझे। जाना पिया को बोल बना देगी तुझे। अब्बा जी खुदा का नाम ले, अब मैं नहीं उस नक्शड़ी से बात करने वाला। जब भी बात करो खाने को दौड़ती है। खुद बना सकती है तो बना दे एक कप। हद हो गई है सलमान, एक जरा सी लड़की का मिजाज तुझसे संभाला नहीं जाता। कल कल आंखों तेरी उससे शादी हो गई तो क्या करेगा? क्या 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 बोल रही है तू? और मैं नहीं बिया बिया से शादी करने वाला। राबिया की बात तो और थी, ये तो बदतमीज कितनी है तूने देखा है? देख सलमान, तेरे में खुद भी कुछ गुण नहीं है ना। राबिया तेरे नसीब में थी, और देख लेना
ये बिया भी तुझे नहीं मिलने वाली। बड़ा आया। अब मैं भी कोई बिया के लिए मर नहीं रहा हूं। बड़ी आई बिया। बिया ये क्या तुमने रो रो के घर में नहुसत फैला रखी है हबीब? वो मैं क्या, बस भी कर दो, खुदा का खौफ खाओ। बहन का मातम मनाकर तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ जब भाई के पीछे पड़ गई हो? ये क्या कह रही हैं? अल्लाह ना करे मेरे भैया को कुछ भी हो। अल्लाह ना करे नासिर को कभी कुछ हो। तुम्हारी नहुस्तों से तो मेरे शौहर को अल्लाह मियां तुमसे दूर ही रखे। अच्छा जाओ, जाके दो कप चाय तो बना के लाओ। ये की कॉल? जी भैया। देखिए अभी आपको बहुत अफसोस से बताना पड़ रहा है कि कुछ देर पहले आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। अभी वो इमरजेंसी वार्ड में है। जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग हॉस्पिटल पहुंचें। क्या क्या हुआ भैया? हेलो हेलो अभी भैया का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मैं मर गई। सलमान भाईजान, वो इमरजेंसी वार्ड किधर है जी? इमरजेंसी वार्ड इधर है। अरे मां, नासिर कहाँ है? नासिर मेरा शौहर। एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए आप लोग किसके बारे में पूछ रहे हैं? मेरे भैया के बारे में पूछ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका एक्सीडेंट हुआ है। नासिर नाम है उनका। नासिर? वो तो काफी सीरियस थे, हमने अभी अभी उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया है। हाँ मैं मर गई, उनकी हालत सीरियस थी और आपने ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, हमारा इंतजार भी नहीं किया। देखिए मैडम, हमारे लिए मरीज के लवाइकीन का इंतजार करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी जिंदगी बचाना। अब बेहतर होगा आप उनके लिए दुआ करें। आप लोगों के साथ कोई मर्द है? है ना? मेरा भाई। आप लोग मेरे साथ आए, सारे हैं। देखो तब्रेज, माशाल्लाह मेरा बेटा इस चेयर पे बैठा कितना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बंजे ये कुर्सी तो कब से तुम्हारी मुंतजिर थी। लेकिन मामू, ये सिर्फ कुर्सी नहीं है जिस पे आप दोनों मुझे बिठा रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल रहे हैं। तो क्या हो गया भांजे? सारी जिंदगी ये जिम्मेदारी तुम्हारी माँ ने संभाली, अब तुम्हारी बारी है। अब इसको भी थोड़ा रिलीफ दो ताकि कुछ दिन सुकून से गुजार सके। जी मामू, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि माँ को अब कोई तकलीफ ना हो। शाबाश भांजे, वाह। मैम कॉफी भिजवा दूँ आप लोगों के लिए? हाँ कॉफी भिजवा दें सदफ, और साथ में कुछ मीठा भी ले आइएगा। जी जरूर। और सुने, वो नासिर साहब को जरूर भेज दीजिए ताकि शाफे से उनकी मुलाकात करा दी जाए। नासिर साहब कौन है? नए मैनेजर है हमारे भाई, जो तुम्हारे साथ काम करे। लेकिन सर नासिर साहब तो अभी तक नहीं आए। क्या 12 बज गए अभी तक नहीं आए, ये क्या बात हुई? नहीं वैसे इतना गैर जिम्मेदार आदमी लगता तो नहीं था वो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। सर डोंट वरी, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। जी मुझे बताएं फौरन। जी जरूर। मेरा ख्याल ये कि शाफे अब तुम्हें भी अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। बीए? बिल्कुल, और उसका इंतखाब तुम्हें खुद करना होगा। Really? मुझे तो पहले ही डर था इन नहुस्तों का। बहुत समझाती थी, मना करती थी, बंद कर दे ये राबिया का रोना धोना मेरे घर से। देख लिया तूने, हो गई तुझे तसल्ली? तेरी नहुसों की वजह से आज तेरा भाई ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है। या अल्लाह, मेरे शोहर को सलामत रखना और इन मनुष्यों के शर से महफूज रखना।
भाजी देखिए आपका पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, सर पे गहरी चोटें लगने की वजह से इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा। हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, मगर आप में से कोई एक ही उनके पास जा सकेगा। मैं ही उनकी बीवी हूँ, मैं ही उनके पास जाऊंगी, मेरे अलावा उनका है ही कौन। ठीक है, अभी थोड़ी देर तक हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, आप प्लीज ये मेडिसिन अरेंज कर दें। सलमान मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो सुबह से पानी की तरह बहा चुकी हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे शोहर का इलाज होगा कैसे। बड़ा समझाती थी उन्हें कि अपने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा लो, पर वो अल्लाह का बंदा जो कुछ भी कमाता था मनुष्यों पे खर्च करता था। बाजी इन बातों को छोड़, तू ऐसे कर मुझे पैसे दे, मैं जल्दी से दवाइयां लेके आऊं, टाइम जाया मत कर, जल्दी कर। देती हूं। पकड़ी है। हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं नासिर की वाइफ बोल रही हूँ। तो बहुत ही बुरा हुआ नासिर साहब का, आज ही पहला दिन था जॉइनिंग का और आज ही बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, वेरी सैड। हाँ, और वो भी इतना बुरा कि बेचारा ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है। बस मैमुना, यही है जिंदगी, कुछ पता नहीं होता कि आदमी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच भी सकेगा कि नहीं। यहाँ कोई बता रहा था कि फाइनेंशियल मसाइल भी हैं कुछ, कोई और कमाने वाला नहीं उसके घर में। तो वहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए ना उनके लिए। हाँ बेटे, मैं भेजूंगी सिद्दीक साहब को, जरा देख कर आए कि अस्पताल में क्या पोजीशन है, और वैसे कोई मसला हो तो देख ले। लो भाई भांजे, आज पहले दिन तुम्हारी डबल ड्यूटी शुरू हो। एक तो तुम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए और उसके साथ साथ एक अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी ऐड। तो क्या नासिर साहब दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे हमें? नहीं नहीं, अल्लाह उसे सेहत दे, जब आएगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेंगे उसे, लेकिन अब प्रोजेक्ट तो लेट नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल ठीक है सदफ, यू मे गो, थैंक यू। को देख रहे थे। तो आप अपने भैया के पास अंदर चली जाएं। स्टाफ ने तो मना किया है, वो कह रहे थे कि कोई एक रुक सकता है। अच्छा, आप आए मेरे साथ। तुम यहाँ क्यों आई हो? सुना नहीं स्टाफ ने क्या कहा है? यहाँ सिर्फ एक बंदा ठहर सकता है। तो मेरे भाई को देखने नहीं चली जाऊंगी अभी। होश आया था इनको? जी सर, बस दो मिनट के लिए। किसी को पहचाना, कोई रिस्पांस किया? नहीं सर, बस बिया बिया करके दोबारा बेहोश हो गए। बिया? जी सर। जाओ यहाँ से। आप रुकिए, आप ही मिस बिया है ना, और आप मिस्टर नासिर की मिसेज हैं। आप काइंडली कुछ देर बाहर जाके बैठिए,
और अब इनको यहाँ पर बैठने दें। हो सकता है कि पेशेंट को फिर से होश आए और वो इन्हीं का नाम लें। नासिर के साथ घर पर हर वक्त मैं रहती हूँ और वो घर पर सिर्फ मेरा ही नाम लेते हैं। देखिए मैडम, ये घर नहीं है, ये ICU है। और इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद मरीज की दिमागी कैफियत को ऑब्जर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। काइंडली आप हमारे साथ तआवुन करें प्लीज़। बाजी तू भी ना कमाल करती है। और डॉक्टर ने कहा था कि ICU से बाहर जाओ, तू वहां से आके सीधा घर आ गई। ना तो क्या करती वहां बैठ के, नासिर तो बेहोश पड़े, बिया का ही नाम लिए जा रहे थे। अच्छा तो डॉक्टर क्या सोचेगा, अच्छी भी हुई है भाई कि एक रात भी अपने शौहर के लिए जाग नहीं सकी, आराम करने घर आ गई। बकवास ना कर जी। बात सुन मेरी, मैं तो ये कह रहा था कि भाई जी को अगर रात को होश आ गई और उन्होंने पूछ लिया तो है ना, तो यही कहेंगे ना कि मेरी बीवी को मेरा ख्याल नहीं है, मेरी बहन को ज्यादा। हाँ भाई, मैंने ही क्यों नहीं सोचा, अब क्या करूं। बिया तो पहले नासिर की बड़ी लाडली है, अल्लाह अल्लाह करके नासिर का ध्यान हटाया था बहनों से। मैं ना सोचे समझे बगैर ना बड़ी गलतियां कर जाती हूँ। अब जो नासिर को होश आया तो बिया तो फिर उनके लिए अहम हो जाएगी। अल्लाह करके आज रात नासिर को होश ना आए। अरे क्या बोल रही है भाजी, क्या बोल रही है। अच्छा अब टेंशन ना ले, ठीक हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है वॉक करके, मेरा रूटीन ही नहीं बनता, हालांकि डॉक्टर ने सख्ती से मुझे वॉक करने की एडवाइस की हुई है। वाह वाह वाह, बहुत फखर की बात है। क्यों नहीं करती हैं आप वॉक? तुम्हारे मामू सुबह उठते ही नहीं है और फिर उनका कोई वक्त, कभी देर कभी सवेर, तो मैं क्या करूँ, अकेले आना मुझे अच्छा नहीं लगता। चले ये तो मसला हल हो गया, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं और आप रेगुलरली वॉक करने आया करेंगे, ठीक है? क्योंकि माँ आपकी सेहत मेरे लिए भी बहुत कीमती है और आपके लिए। शाफी एक बात तो बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़कियां अच्छी लगती हैं? नॉट अगेन माँ, अब दोबारा शुरू नहीं हो सकती इस टॉपिक पे। शाफी मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, सोच रही हूँ मिसेस बुखारी से बात करूँ। मिसेस बुखारी से क्यों? पता, उनकी एक भांजी है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। माँ आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता। अच्छा अगर तुम्हें मेरी पसंद से शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खुद कोई लड़की पसंद है तो मुझे उसका नाम और एड्रेस दे दो, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है मैं तो जालिम समाज टाइप माँ तो हूँ। ऐसी बात नहीं है। कमाल है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी कोई लड़की पसंद नहीं आई। स्ट्रेंज, शाफ़ी इस मुस्कुराहट का क्या मतलब समझूं मैं? Forget it for now. चले मेरे साथ. Let's go home. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up.
रुकिए। भैया कहीं दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। मुझे बताएं कहीं दर्द हो रहा है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बस मैं आपके पास ही हूँ, प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाएं। नाराज हो रही? नहीं भैया, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे, मैं नाराज नहीं हूँ। हमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, आप बस ठीक हो जाए भैया। नासिर, क्या हुआ नासिर को? देखिए इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, प्लीज आप लोग बाहर जाएं। भाई बिल्कुल ठीक थे भाभी, अभी मैंने बात की है। जाओ यहाँ से, प्लीज आप दोनों बाहर जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, एकदम से इतना ज्यादा खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो वैसे इस शहर में नए हैं और नासिर अपनी नई नौकरी के लिए निकले थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब हमारे लिए पेशेंट का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया। देखिए सर पे गहरी चोट आने की वजह से पेशेंट के ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हो गए। वो तो आप लकी है कि उनको होश आ गया और उन्होंने उन्हें पहचान भी लिया और उनसे बात भी की, वरना ऐसे केसेस में पेशेंट्स कोमे में भी जा सकते हैं। मैं मर गई, कोमा। लेकिन मिस बिया, खतरा अभी भी टला नहीं है। इन ब्लड क्लॉट्स की वजह से आपके भैया के साथ कुछ भी हो सकता है। हाय रब्बा, क्या हो सकता है? देखिए उनकी याददाश्त जा सकती है, वो कोमे में भी जा सकते हैं और उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा मासूम हो सकता है या फिर उनकी जान भी जा सकती है। ऑपरेशन कब करना है? हम तो चाहते हैं कि ऑपरेशन आज ही कर लें, यह आपके पेशेंट के लिए अच्छा होगा। आप ऐसा करें कि काउंटर पर जाकर फीस जमा करा लें, हम ऑपरेशन की तैयारी करें। दिन भी देख रहा हूँ सी मैं, ये दो हल्के से कंगन है मेरे पास और ये तोले सवा तोले का एक सेट है और ये है मेरी चेन, बस यही है मेरे पास। मां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, इधर आ और ये ले, और हाँ ये भी रख ले। भाभी ये क्या कर रही हैं आप, ये तो रहने दें। तो और क्या करूं, बस यही है मेरे पास। जब से ब्याह के आई हूं ना, तेरे भाई की कमाई से बस यही जोड़ सकी हूं। भाई जी का अपना मकान होता ना तो आज वही बेच के उनका इलाज करा लेते, कम से कम उनकी जान तो बच जाती। भैया को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा तो फिर ये पकड़ और इसे बेच के 3 लाख लेके अस्पताल पहुंचा। अभी आप क्या कह रही हैं, मैं ये कैसे बेच सकती हूँ? क्या बातें कर रही है, और ना इसके कौन देगा 2-2.5 लाख रुपया? बात कर रही मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी, है कुछ तुम्हारे पास? अच्छा क्या खबर,
माँ का कोई जेवर हो जो तूने हमसे छुपा के रखा हो। भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों कुछ छुपा के रखूंगी आपसे? मेरे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ मेरी तालीम है और कुछ भी नहीं। लो ये सुन लो, और ना तेरे सर्टिफिकेट ते डिग्रियां जाके कहाँ बेचेंगे हम, हद हो गई है। मैं कोई जॉब तो कर सकती हूँ ना। रहन दे, तेरी नौकरी के इंतजार में मैं तेरे भाई को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकती। मैं ही कुछ करती हूँ। बाजी एक आइडिया है मैं, और जिस कंपनी में भाई जी को नौकरी मिली थी वहां अगर बिया जाके सारी बात बताए तो हो सकता है इसका काम बन जाए, क्या ख्याल है? इसे कौन देगा नौकरी? हम कोशिश तो कर सकते हैं ना भाभी। तूने जो करना है कर ले, मैं तो जा रही हूँ। सलमान चल मेरे साथ। भाजी ट्राई करने में क्या हर्ज है? जैसे भी आई डोंट केयर, और मेरे बच्चों बहुत मासूम है, लोगों की पहचान नहीं रखते। खबरदार खबरदार आइंदा मेरा नाम लिया तो। जाने क्यों जाने ना, मेरा दिल माने ना, छोटी बिया पता नहीं कैसी होगी, मेरे पास तो उसका सेल नंबर भी नहीं है। जाने ना है जिंदगी, तू ही बता तुझे क्या कहूँ, मेरी हमनवा जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही आशना। जरा सी जिंदगी। सदफ वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए? जी सर, कैंडिडेट तो काफी आ चुकी हैं। और शाफिक? वो अभी तक नहीं आए। अच्छा, और मेमुना अंदर है? जी वो आप लोगों का इंतजार कर रही है। थैंक यू। क्या हाल चाल है तुम्हारे रोहित? कहाँ गायब हो गए हो तुम? तुमने कोई रास्ता ही नहीं रखा उसके बाद? तबीयत ही ठीक नहीं रहती शाह, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत? कहीं तुम राबिया के गिल्ट में तो नहीं चले गए हो? कोई तो दर्द बन के मेरी रगों में उतर गई, उसका नाखून मुझे तड़पा के मारेगा। बहुत जल्द तुम्हें मेरे मरने की खबर ही मिल जाएगी। रॉयल किस किस्म की बातें कर रहे हो यार, पागल तो नहीं हो गया? तुम राबिया के घर चले जाओ ना, वहां जाके उसके घर वालों से माफी मांग लो। माफी मांगने क्या था, घर पर ताला था, एक फिर से पूछा तो पता चला वो लोग शहर छोड़कर ही चले गए। जा चुके हैं? कहाँ गए हैं वो? सुना है कराची शिफ्ट हो गए। सोहेल, सोहेल मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? शायद मेरा बहन है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आखिरकार बॉस आ ही गए। मामू कम ऑन, अब आप मुझे बॉस कहेंगे। अरे अपनी कुर्सी संभालो, चलो कम ऑन और इंटरव्यू शुरू करो। राइट। वैसे माँ, मैं सोचा था सब कुछ कितना फास्ट हो गया ना, अभी कल ही ऐड दिया था और बाहर देखें कितनी लड़कियां आई हुई हैं। हाँ बेटा, मुल्क में बेरोजगारी का यही आलम है। मेरे ख्याल से टाइम जाया किए बगैर आप इंटरव्यू शुरू करें। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। जी मैं सदफ। बाजी मुझे एक बात बताऊं, ये जो सुनहरे होते हैं ना, बड़े ही बेईमान को आम होते हैं। सारी चीजें उसने ले ली, सब कुछ तो उसे ले लिया और दिया क्या 1,00,000 रुपया? वो भी 1,000 मिलते का के दिए उसने। तो सब ठीक है लेकिन भाई जी के ऑपरेशन के लिए तो 3,00,000 रुपया चाहिए ना, बाकी की रकम आएगी कहाँ से? ये सोच देख सलमान, मेरे पास जो कुछ भी था ना मैंने अपने शोहर के लिए रख लिया साहब, अब दिया करे ना, और फिर उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अजीब बातें कर रही है ना, अगर बिया की जॉब हो भी जाती है तो लाजमी थोड़ा है कि वो फौरन से उसको 2,00,000 रुपया उठा के दे देंगे। चुप कर जा सलमान, मैं पहले बड़ी परेशान हूँ। आप ही इंटरव्यू के लिए आई हैं? इंटरव्यू? लेकिन आप बहुत लेट हो गई हैं। लाइए अपना सीवी मुझे दीजिए। Please have a seat. Excuse me, आप आ जाइए। Excuse me. जी आप किस वैकेंसी के लिए आए हैं? आपको नहीं पता क्या? PA के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। PA? जी। Thank you for coming. Thank you. Thank you, sir. Oh my God, I can't believe this. बहुत ही मुश्किल काम है भाई ये तो। तुम तो अभी से घबरा गए। माँ ये इंटरव्यूज वगैरह आप ही कर लेना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। शाफे, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी कैसी होनी चाहिए इसका फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? वैसे एक बात तो बताए मुझे, ये जितनी लड़कियां भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी, आपको लग रहा है ये इसी जॉब के लिए आई थी? क्यों, तुम्हें क्या लगता? हम उनका हुलिया तो चेक करें आप। मुझे लगा किसी फैशन शो में शिरकत करने आई हुई थी, मेकअप देखा था और इतनी ओवर कॉन्फिडेंट। आई एम सॉरी, मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रख सकता। माँ शाफे भाई, जो खवातीन बाहर बैठी है कम से कम उनका इंटरव्यू तो कर लो, बुरी बात है? मामू वो सब भी तो ऐसी ही होंगी ना। शाफे बुरी बात? जी मिस सदफ, अगर बाहर कोई सिंपल और डिसेंट लुकिंग लड़की है जो इस जॉब के लिए डिजर्विंग भी है, प्लीज उसको अंदर भेज दीजिए। थैंक यू। मिस बिया जी प्लीज आप अंदर जाएं।
मेहर जी आप बारी तो मेरी थी ना ये क्यों चाहे मिस पिया प्लीज आप अंदर जाएं आप बैठ जाइए अभी इनके बाद मैं आपको भेजती हूँ पर्ची होगी तभी तो पहले चली गई आजकल कौन सिंपल और डिसेंट लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाता है तबरेज शाफी मेरा बेटा है सारी दुनिया से अलग सोच रखता है ये ऐसे ही तो मैं फख्र नहीं करती इस पर शाह मैं कम इन यस प्लीज पिया तुम क्या कहूँ मेरी हम नावा